सत्तारूढ़ एनडीए के खिलाफ बने विपक्षी गठजोड़ आईएनडीआई अलायंस में उठापटक जारी है। एक बार फिर से इस अलायंस की एकजुटता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस से नाराज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फिर से चर्चा में हैं। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में देश के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। वीपी सिंह की प्रतिमा से पर्दा हटाते ही देश में नई सियासी बहस शुरू हो चुकी है। इसकी वजह है कि प्रतिमा अनावरण के आयोजन में देश के तमाम दिग्गज नेताओं को नहीं बुलाया गया, लेकिन अखिलेश यादव स्टालिन के साथ खड़े नजर आए। अब देश की राजनीति में तीसरे मोर्चे की अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। आईएनडीआई अलायंस में घमासान। राजनीतिक जानकारों की माने तो आईएनडीआई अलायंस में दरार आ चुकी है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश चुनाव से ही हो गई थी, जब कांग्रेस ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को चुनावों में एक भी सीट नहीं दी थी। अखिलेश ने कांग्रेस के इस रवैये पर आपत्ति भी जताई थी। दोनों दलों के नेताओं में जुबानी जंग छिड़ गई थी। अखिलेश का बयान आया था कि लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों पर वह अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहीं से आईएनडीआई अलायंस में दरार की खबरों ने भी जोर पकड़ लिया था। क्या कांग्रेस रही तीसरे मोर्चे की तैयारी? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब सीएम स्टालिन के इस कदम से स्पष्ट संकेत मिल गए हैं कि अखिलेश यादव कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे को खड़ा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वीपी सिंह की प्रतिमा अनावरण में किसी भी विपक्षी दल के नेता को आमंत्रित नहीं किया गया। यहां पर ये जान लेना जरूरी है कि स्टालिन भी आईएनडीआई अलायंस के मुख्य हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के किसी भी नेता को इस आयोजन में ना बुलाकर ये संकेत तो दे ही दिया है कि आईएनडीआई अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस को छोड़ दें तो स्टालिन ने इंडिया गठबंधन के भी किसी नेता को आमंत्रित नहीं किया। तीसरे मोर्चे में कौन कौन आ सकता है साथ? अब सवाल ये उठता है कि अगर समाजवादी पार्टी और डीएमके मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन करेंगे तो उनका साथ कौन दे सकता है? जानकारों का मानना है कि लालू की आरजेडी और नीतीश की जेडीयू उनके साथ आ सकते हैं। इसके पीछे जो वजह है वो ये है कि अखिलेश यादव लंबे समय से बिहार के दिग्गज नेता लालू प्रसाद यादव के साथ मधुर संबंध निभाते आए हैं। वहीं आईएनडीआई अलायंस कांग्रेस की कार्यप्रणाली को लेकर नीतीश कुमार भी सवाल उठा चुके हैं। मौजूदा सियासी परिस्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से अलग आरजेडी, जेडीयू, डीएमके और कुछ अन्य दलों के साथ तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं।